Hello, my dear students. How are you all? Hope you all are good. We have already finished two sessions of this chapter, part 1 and part 2. Now, in this video, we are going to complete the rest of the topics of chapter 1, growing plants. So, let's start it. In this session, you will know about agriculture, types of crops, and stages of agriculture. So, let's start the first topic. Agriculture. Dear children, what do you know about agriculture? अच्छा, आप लोगों से एक सिंपल वे में पूछती हूँ. आप सब जो भी फूड कंज्यूम करते हो इन द ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड अदर स्नैक्स, वो कहाँ से आते हैं? आप कहोगे मैम मार्केट से. ओके, बट मार्केट में कहाँ से आते हैं? हाउ दे ग्रो और प्रोड्यूस, वॉट प्रोसेस इज दिस? To understand this concept, first you should know about agriculture. The first journey of food is agriculture. So let's know about it. Growing plants on a large scale for food and other useful products is called agriculture or farming. This is a process in which farmers grow the crops. Crops means are those plants that give us food and other useful products to fulfill our needs. In this process, plants grow on a large scale in the field. Farmers grow different crops in their field on the basis of seasons. This we will study later. See all these pictures in this slide. I put it to make you understand this concept more clearly. How farmers do lots of hard work to grow the crops, it is not a easy process or task. अगर हम पहले की बात करें तो it was more difficult to grow crops using oxen for ploughing, but nowadays technology is more advanced. Our farmers tractors use करते हैं and others machines use करते हैं for farming. It's a long process of few months or year or more than a year. So let's come to the next topic. Types of crops. Yes. Crops are basically two types, kharif crop and rabi crops. Crops are mainly divided into two types on the basis of season. We cannot grow any crop at any time because each crop is required suitable time period or season to grow. अच्छा, हम एक एग्जांपल से समझते हैं. हम जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विंटर्स में खाते हैं वही सारी जो सब्जियां और फल है वो हमें समर्स में भी मिलते हैं, या फिर जो भी हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स समर्स में खाते हैं वो हमें विंटर्स में मिलते हैं. नॉट ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सीजनल होते हैं जो हमें पर्टिकुलर सीजन में मिलते हैं बिकॉज वी ग्रो डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन. बट कुछ क्रॉप्स ऐसे भी होती हैं जो हर सीजन में हमें मिल जाती हैं. लेकिन बात की जाए जैसे पटेटोज, अनियंस, पल्सेस यानी दालें, और ग्रेन्स लाइक वीट, राइस, मिलेट, ये सब तो हमें हर सीजन में मिलते हैं क्योंकि इन्हें हार्वेस्टिंग के बाद स्टोर किया जाता है. हार्वेस्टिंग इज़ अ प्रोसेस, वन ऑफ द स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर जो हम बाद में पढ़ेंगे. इन्हें स्टोर किया जाता है और जिसकी वजह से हमें पूरे सीजन्स में मिल जाते हैं. सो लेट्स नो अबाउट द टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. फर्स्ट वन इज खरीफ क्रॉप एंड सेकेंड इज रबी क्रॉप. खरीफ क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज मॉनसून क्रॉप्स क्योंकि ये मॉनसून सीजन में लगाए जाते हैं. जस्ट बिफोर द रेनी सीजन इसको लगाया जाता है, यानी कि बारिश शुरू होने से कुछ समय पहले इसको सो किया जाता है, यानी कि इसकी सीड्स को लगाया जाता है. और ये पूरे मॉनसून सीजन तक रहता है फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर, यानी जून में लगाया और सेप्टेम्बर में इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं. वी हैव सम एग्जांपल लाइक राइस, मेज यानी कॉर्न, मिलेट यानी बाजरा, ग्राउंडनट, शुगर केन एक्सेट्रा. सेकेंड इज रबी क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स को हम विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं बिकॉज ये विंटर सीजन में लगाई जाती हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर और अप्रैल में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है. We have examples, for example, like wheat, mustard, green peas, oats, potato, etc. These crops grow in different seasons because each crop is required different climate conditions. Some can grow in winter, some can grow in only in
समर्स ओनली। कुछ क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, और कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो कम पानी में भी ग्रो कर जाती हैं। उसी के अकॉर्डिंग फार्मर्स को उन क्रॉप्स को ग्रो करना होता है। सो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। इन सिंपल वर्ड्स, खरीफ क्रॉप्स ग्रो इन द मॉनसून सीजन एंड रबी क्रॉप्स ग्रो इन विंटर सीजन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर। ग्रोइंग क्रॉप्स इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेजेस, हाउ फार्मर्स ग्रो द क्रॉप्स। वी हैव 7 stages. द फर्स्ट वन इज प्लॉइंग, सेकेंड इज सोइंग, थर्ड इज एडिंग फर्टिलाइजर्स, फोर्थ इज इरीगेशन, फिफ्थ इज स्प्रेइंग पेस्टिसाइड, सिक्स्थ इज हार्वेस्टिंग एंड सेवेंथ इज स्टोरिंग। लेट्स कम टू द डायग्राम। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच स्टेज विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर, सो यू कैन अंडरस्टैंड द स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर मोर क्लियरली। सो लेट्स स्टार्ट इट। The fourth stage is ploughing. In this stage, the field is ploughed to loosen the soil for the circulation of air with the help of oxen or tractor. इस प्रोसेस में फार्मर्स सॉइल को प्लॉग करते हैं ताकि सॉइल लूज हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, जिससे सॉइल में एयर का सर्कुलेशन अच्छे से हो सके। अदरवाइज अगर सॉइल सॉफ्ट नहीं है, हार्ड है, तो हम उसमें सीड्स को ग्रो नहीं कर सकते, सीड्स सो नहीं कर सकते। तो इसलिए प्लॉइंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और दिस इज द फर्स्ट वन। Second is sowing. In this stage, seeds are sown in the plough seed. After ploughing, farmers seeds को sow करते हैं field में। Ploughing के बाद next step is sowing. Seeds को डाला जाता है पूरी field में। Then after that, we have the third stage, adding fertilizers. In this, manure or fertilizers, यानी कि खाद, are needed to provide nutrients to the soil. जैसे हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, सेम एग्जैक्टली प्लांट्स आल्सो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। अगर हमारी सॉइल फर्टाइल नहीं है, यानी उपजाऊ नहीं है, तो उस फील्ड पे कोई भी प्लांट और कोई भी क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं कर सकती, या फिर ग्रो ही नहीं कर सकती। तो सॉइल का फर्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट स्टेज इज इरीगेशन। इन दिस प्रोसेस इरीगेशन प्रोसेस टू सप्लाई वाटर टू द प्लांट्स। एज वी नो, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट और एसेंशियल फॉर अस, सेम एज प्लांट ऑल्सो रिक्वायर सफिशियंट वाटर फॉर देयर ग्रोथ। सो क्रॉप्स नीड टू बी गिवन वाटर रेगुलरली फॉर देयर गुड ग्रोथ, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इरीगेशन। सम क्रॉप्स रिक्वायर्ड प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी काफ़ी अच्छे अमाउंट पर को पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। इसलिए हम उन क्रॉप्स को या तो मानसून सीजन में लगाते हैं, क्योंकि मानसून सीजन में रेन होती है, तो और रेन के थ्रू उनको पानी मिल जाता है। और कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जिनको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, या फिर बहुत कम पानी चाहिए होता है, तो उसको हम समर्स में और अदर सीजन विंटर सीजन में भी लगाते हैं। देन नेक्स्ट स्टेज इज स्प्रेइंग। Spraying pesticides and insecticide are sprayed to protect the crops from pest. Some small insects and worms harm the growth of crops. Sometimes they destroying the crops completely. So in this, farmers use pesticides and insecticides to kill them to protect the crops. समटाइम्स जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उसमें जब वो ग्रो करने लग जाती है, जब उसमें लीव्स आने लग जाती हैं, फ्रूट्स आने लग जाते हैं, तो समटाइम्स वी कैन सी उसमें कुछ छोटे छोटे वॉर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, जो आपकी क्रॉप्स को ख़राब करना शुरू कर देते हैं। तो उस उन छोटे छोटे कीड़े मकौड़ों से बचाने के लिए उन फार्मर्स यूजिंग पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड, जो उन इंसेक्ट्स और वॉर्म्स को किल कर देती हैं, जिससे आपकी क्रॉप्स ख़राब नहीं होती। So come to the next stage is harvesting. Once the crop is ready, it is harvested. The crops are harvested when they are ripe and ready to be consumed. यानी कि खाने लायक हो जाती है, consume करने लायक हो जाती है, और used by the people. तो और फिर उसको बाद में people use कर सकें। यानी कि आपकी crop अब कटने के लिए तैयार होगी, आप उसको cut कर सकते हैं, आप उसमें जो fruits और vegetables हैं उनको separate कर सकते हैं आपकी जो crops और plants में से। The last stage is स्टोरिंग।
क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के बाद, हाँ जब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसको मशीन्स के थ्रू जो उसमें सीड्स होते हैं वो प्लांट्स में से सेपरेट कर लेते हैं। आफ्टर दैट दीज ग्रेन स्टोर्ड इन द साइलोज एंड ग्रेनरीज। साइलोज एंड ग्रेनरीज वो जगह होती हैं जहाँ पे फार्मर्स अपने जो भी क्रॉप्स हैं हार्वेस्टिंग करने के बाद उसको सेफली वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं टिल द टाइम दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मार्केट। सो आई होप दिस प्रोसेस इज वेरी क्लियर टू यू। ऑल द स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर, प्लॉइंग, सोइंग, एडिंग फर्टिलाइजर्स, इरीगेशन, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरिंग। स्टोरिंग सम क्रॉप्स डू नॉट रिक्वायर टू स्टोर, उनको रिक्वायर्ड नहीं होती है। आप कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो हार्वेस्ट करने के बाद डायरेक्टली मार्केट में जाके हम उसको सेल भी कर सकते हैं, फार्मर्स उसको डायरेक्टली सेल भी कर सकते हैं। लेकिन हम ग्रेन्स की बात करें तो ग्रेन्स को हमको कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखना पड़ता है जब तक कि वो रेडी ना हो जाए मार्केट में देने के लिए। देन आफ्टर दैट कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। हेयर आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑल दिस टॉपिक्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर। सेकेंड इज विच क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज मॉनसून क्रॉप एंड गिव टू एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड वाई सम क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाई फार्मर्स आर यूज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ऑल दिस क्वेश्चंस आई थिंक यू कैन इजिली डू यू ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स डू इन योर HW साइंस कॉपी। एंड आई वॉन्ट यू यू शुड रिवाइज ऑल द टॉपिक्स अगेन, पार्ट वन एंड पार्ट टू एंड पार्ट थ्री। रिवाइज अगेन ऑल द टॉपिक्स एंड स्टडी वेल एट योर होम। थैंक यू।